हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्सी पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज मैं बात करने वाला हूं ओरल कम्युनिकेशन के बारे में और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको ओरल कम्युनिकेशन के बारे में पूरी जानकारी मिल पाए। तो आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन के बारे में। तो कम्युनिकेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, बट आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, जिसमें वन ऑफ द टाइप्स होता है ओरल कम्युनिकेशन, है ना, वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, है ना। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे टाइप्स होती हैं। तो उसमें हम सबसे पहला जो टाइप करेंगे वो है ओरल कम्युनिकेशन, जहाँ पे बातचीत जो है वो फेस टू फेस हो रही है, वर्बल कम्युनिकेशन हो रही है, एक दूसरे से आप बात करके कर रहे हो, ठीक है। तो ओरल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम करेंगे अच्छे तरीके से। बट उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। So, in this mode, communication is done through spoken words. ये जो mode होता है जिसमें हम बातचीत करते हैं, जिसमें हम communication करते हैं, ये mainly जो है words को बोल करके किया जाता है, शब्दों को बोल करके किया जाता है। It may be face to face talk, यहाँ पे बातचीत जो है वो face to face हो सकती है, telephonic talk हो सकता है, phone पे आप बात कर सकते हो, video chat कर सकते हो, television के माध्यम से हो सकता है, radio और chat over internet के माध्यम से होता हो सकता है, such as Skype जिस तरीके से बातचीत की जाती है, या फिर WhatsApp. So these are the थर्ड्स और चीजें जिसके जरिए आप एक तरीके से फेस टू फेस बातचीत कर सकते हो, ओरल कम्युनिकेशन आप कर सकते हो। पर्सनल ट्रेट सच एज क्लैरिटी और प्रोनाउंसिएशन, पिच, स्लैंग, वॉल्यूम, स्पीड, ईटीसी इन्फ्लुएंस द मोड ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है ना। तो ये जो पर्सनल ट्रेट होते हैं आदमी एक पर्सनल जो व्यक्ति है उसका जो ट्रेट होता है, उसका जो फीचर, जैसे कि उसका पिच कैसा है, उसका स्लैंग कैसा है, वो वॉल्यूम किस तरीके से बात कर रहा है, उसकी बात करने का स्पीड कैसे, जैसे कि मेरा स्पीड बहुत ज्यादा हाई है, मैं बहुत ही तेजी से आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को कवर कर पाऊँ, राइट। तो इन सब चीजों पर्सनल ट्रेट होते हैं, वो भी एक तरीके से कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, मोड ऑफ कन्वर्सेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर उसको इफेक्टिव बनाते हैं। सो इट इज एन इफेक्टिव फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। और ये जो कम्युनिकेशन होता है ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। ये इसलिए इफेक्टिव होता है क्योंकि जैसे मेरा एग्जांपल ले लो, मैं आपको तेजी से पढ़ाता हूं, इससे एक फायदा क्या होता है कि आप में सुनने की क्षमता पड़ती है, आप तेजी से पढ़ते हो, और एक चीज याद रखना कि जो तेजी से पढ़ता है ना वही ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर कर पाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी चीज आप पढ़ो वो आपको एक ही बार में समझ में आ जाए, जरूरी यह है कि आप उस चीज को बार बार पढ़ो ताकि आपको आखिरकार समझ में आ ही जाए। और जब आप किसी चीज को बार बार करते हो तो आप उस चीज में और भी ज्यादा अच्छे होते जाते हो। सो दैट इज व्हाई आई प्रेफर स्पीड टॉकिंग, ठीक है ना। मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा स्पीड में आपको जो है समझा पाऊँ, बट फिर भी अगर आपको दिक्कत होती है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं थोड़ा सा स्लो होने की कोशिश पक्का करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल की बात की जा रही है, व्हेन टीचर टीचर्स इन क्लास, जब एक टीचर क्लास में पढ़ाता है तो इसे हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन कहेंगे या फिर ओरल कम्युनिकेशन कहेंगे। सो ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक क्लासेस वेर हेल्ड ऑनलाइन यूजिंग जूम, गूगल मीट और माइक्रोसॉफ्ट टीम प्लेटफॉर्म्स, है ना। तो कोविड-19 पेंडेमिक में आपको पता है 2020 से जो स्टार्ट हुआ था, इसमें जो क्लासेस होते थे ऑनलाइन वो सारी की सारी जूम पे होती थी, गूगल मीट पे होती थी, या फिर तो माइक्रोसॉफ्ट की जो टीम प्लेटफॉर्म है उस पर होती थी। इट इज ऑल्सो फेस टू फेस वर्बल कम्युनिकेशन। अब इसको भी हम फेस टू फेस वर्बल कम्युनिकेशन ही बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे थे, एक दूसरे को देख सकते थे, और जिस तरीके से क्लास रन करता था, क्लास चलता था, उसी तरीके से यहाँ पे वो भी सारी चीजें जो है वो होती थी। When two persons talk, जब दो लोग आपस में बात करते हैं on Skype और WhatsApp, they communicate face to face verbally, है ना? तो जब लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो वो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं वाया Skype और WhatsApp, तो ये फेस टू फेस एक तरीके का कम्युनिकेशन होता है, वर्बल एक तरह का कम्युनिकेशन होता है। इन टेलीफोनिक टॉक The communication is verbal, though it is not face to face as they cannot see each other. है ना? तो जैसे कि टेलीफोनिक टॉक हो गया, वहां पे लेकिन कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो वर्बल हो रहा है, लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, तो हम उसे फेस टू फेस नहीं बोलेंगे, है ना। फेस टू फेस का मतलब हो गया कि आप एक दूसरे को देख करके बातचीत कर रहे हो, ठीक है। तो ओरल कम्युनिकेशन में ये सारी चीजें आ जाएंगी जिसको आपको लिखना है। अब हम बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि ओरल कम्युनिकेशन में लोग एक तरीके से मुंह पे तो झूठ नहीं बोल सकते, थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो ओरल कम्युनिकेशन में सबसे फायदा ये होता है कि लोगों को भरोसा हो पाता है कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो देखने में ऐसा है, वो इस तरीके से अपनी चीजों को समझा रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपका उस चीज के ऊपर बढ़ता है। तो जैसा कि ओरल कम्युनिकेशन के फायदे हैं वैसे ही इसके नुकसान भी हैं, तो हम दोनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहला है एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ये ज्यादा खूबसूरत लगेगा, बढ़िया लगेगा देखने में। या लेट्स डू इट विद ब्लू। सो एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, क्या क्या इसके एडवांटेजेस है भाई? सबसे पहला एडवांटेज है
हाई लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे चीजों को समझने में आपको जो है बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है और ट्रांसपेरेंसी होती है काम में, जिससे आपको तुरंत चीजें जो है समझ में आ जाती हैं। तो ओरल कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा फायदा यही है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है और अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ही हाई लेवल की होती है। क्विक फीडबैक, जब आप ऑनलाइन चीजों को करते हो, जब आप ओरल चीजों को करते हो, तो आपको फीडबैक भी जो है क्विक मिलता है। जैसे कि कोई आपसे पूछेगा कि भाई तू ये काम करेगा, तो आप तुरंत उसको बताओगे कि हाँ करना है कि नहीं करना, आप तुरंत फीडबैक उसको दोगे, है ना। तो क्विक फीडबैक मिलता है ओरल में। रिटन में आप टाइम ले सकते हो। रिटन में सपोज किसी ने कुछ से पूछा कि भाई ये काम मुझे तो करके दे, तुझे बता तू कैसा लग रहा है तुझे ये करने में, ठीक है। तो वो रिटन कम्युनिकेशन हो सकता है दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन बाद वो आपको बताया कि भाई मुझे एकदम पसंद नहीं आया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्विक फीडबैक रिटन कम्युनिकेशन में नहीं मिलता, लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में क्विक फीडबैक मिलता है। ओरल कम्युनिकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, काम को लेकर के फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप जब चाहो यू नो फ्लेक्सिबल हो सकते हो, राइट। टाइम एंड अदर रिसोर्सेस सेविंग, जब आप ओरल कम्युनिकेशन करते हो तो यहाँ पे समय की भी बचत होती है और अदर रिसोर्सेस की भी बचत होती है। अब सपोज मुझे कुछ जानना है और किसी को मैं लेटर लिख करके उससे पूछ रहा हूँ कि भाई तू मुझे इस चीज की जानकारी बताओ, मैं लिख करके भेज रहा हूँ, समझ रहे हो, और मैं अगर डायरेक्टली उसको फोन करके पूछ लूँ तो वो तुरंत मुझे बता देगा, है ना। फीडबैक मुझे तुरंत मिल जाएगा, तो मुझे जो काम करने के लिए यू नो 10 से 15 दिन लगेंगे वो मेरा 10 सेकंड में हो जा रहा है, राइट। सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे आपका जो टाइम है और जो अदर रिसोर्सेज है उनकी भी सेविंग बहुत ज्यादा यहाँ पे होती है। हेल्पफुल फॉर टीम वर्क, ओरल कम्युनिकेशन जो होता है टीम वर्क के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। बेस्ट फॉर कॉन्फिडेंशियल कॉन्फिडेंशियल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, तो जब आप कॉन्फिडेंशियल यू नो जानकारियां एक दूसरे के साथ प्रदान करते हो तो उस केस में ओरल कम्युनिकेशन ज्यादा सही होता है, क्योंकि अगर आप लीक करके दोगे और कहीं वो कहीं से किसी तरीके से अगर लीक आउट हो गया तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है, तो वो कॉन्फिडेंशियल नहीं रख पाते हैं हम रिटन कम्युनिकेशन में। लेकिन हाँ ओरल कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता, ओरल कम्युनिकेशन में चीजें जो है कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति ने अगर कुछ गलती से एक बार बोल दी तो वो दोबारा वो गलती नहीं करेगा, वो दोबारा वो गलत बात नहीं बोलेगा। तो यहाँ पे चीजों को एक तरीके से छुपाया जा सकता है, कॉन्फिडेंशियल रखा जा सकता है। क्विक रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू आप रिजोल्यूशन जो आपका डिस्प्यूट है उसका रिजोल्यूशन आप बहुत ही तुरंत कर सकते हो, है ना। कोई डिस्प्यूट अगर है, आप अगर लेटर किसी को लिख रहे हो कि भाई इस चीज का मुझे प्रॉब्लम है, वो आपको लेटर बैक लिखेगा, केस होगा वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है, पर आप डायरेक्टली अगर फोन करके बात कर लेंगे तो आपका जो भी डिस्प्यूट है उसको बहुत ही जल्दी रिजोल्व किया जा सकता है। So that is why it is one of the point of advantage of oral communication, quick resolution of disputes. Next point is receptive and encouraging. अब जो oral communication होता है ये बहुत ही receptive होता है, लोग यहाँ पे चीजों को बहुत अच्छे तरीके से receive करते हैं और encourage करते हैं एक दूसरे को कि आप इसी you know तरीके का इस्तेमाल करो, है ना। तो ये जो method है, ये जो oral communication का जो type है, ये बहुत ही ज्यादा receptive और encouraging होता है। Facial expressions and body language visible. तो जब आप ओरल कम्युनिकेशन करते हो तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो भी दिखता है और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी दिखती है। इसके 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 जरिए जो आपका जो जो व्यक्ति आपसे सवाल पूछ रहा है या फिर जिससे आप बात कर रहे हो वो आपको जज कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन और लैंग्वेज विजिबल बॉडी लैंग्वेज कि आप कितने ज्यादा इंटरेस्टेड इस चीज में हो या नहीं हो, राइट। ये चेहरे पे दिखाई दे देता है क्योंकि आंखें झूठ नहीं बोलती, आपने सुना होगा, राइट। सो दीज आर द एडवांटेजेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। सबसे पहला जो यहाँ पे डिसएडवांटेज है वो ये है कि इनफॉर्मल एंड नो प्रूफ ऑफ डिसीजन इफ एनी, है ना। तो यहाँ पे एक तरीके से ये इनफॉर्मल होता है, फॉर्मल नहीं होता है, और इन केस अगर कोई अपनी बात से मुकर गया तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा ये बताने के लिए कि उसने आपको वो बात कही थी, है ना। तो यहाँ पे कोई प्रूफ ऑफ डिसीजन नहीं हो पाता है और ये इनफॉर्मल होता है, फॉर्मल नहीं होता। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। सेकंड पॉइंट इज पुअर पर्सनल ट्रेट्स। पुअर पर्सनल ट्रेट्स अगर आपके हैं जैसे कि स्टैमरिंग हो गया, वीकर कमांड ऑन लैंग्वेज हो गया, स्लैंग हो गया, नॉन कोहेरेंस विजिबल हो गया, तो आपको जो है डील हासिल करने में, आपको बिजनेस करने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी। ओरल कम्युनिकेशन में आपको दिक्कत होगी अगर आपकी पर्सनल ट्रेट्स में ये सारी चीजें शामिल हैं तो, ठीक है ना। ओरल कम्युनिकेशन लेस ऑथेंटिक होता है, लोग इस पे भरोसा बहुत कम करते हैं, तो ये लेस ऑथेंटिक होता है। फोर्थ पॉइंट है मे कंज्यूम लॉन्ग टाइम इन मीटिंग्स, है। तो इसमें ओरल कम्युनिकेशन में जो है यहाँ पे जो मीटिंग्स होती हैं वो थोड़ी सी लंबी चल सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे बातचीत हो रही है एक दूसरे के साथ, जो मीटिंग है वो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग समटाइम्स ये प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। रिक्वायर्स ग्रेट अटेंटिवनेस एंड रिपीटेटिविटी, है ना, रिसेप्टिविटी। अब यहाँ पे जो है आपको बहुत ज्यादा अटेंटिव होना पड़ेगा, जब आप कुछ बोल रहे हो सामने वाला अगर आपको जवाब नहीं दे रहा है इसका मतलब कि वो अटेंटिव नहीं है। तो इस वाले कम्युनिकेशन में सामने वाले का अटेंटिव होना या दोनों बंदे का अटेंटिव होना अपने काम को लेकर के, अपनी बातों को लेकर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अटेंटिव भी होना और रिसेप्टिविटी का भी होना यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस चीज में, इस कम्युनिकेशन में इसका एक और डिसएडवांटेज है कि इसकी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है,
अगर कुछ लीगली कुछ यहाँ पे लफड़े में आप पड़ गए तो आप खुद को सही प्रूफ नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें वर्बली हुई हैं, मौखिक रूप से बोला गया है, तो आप किसी से दोबारा तो कोई चीज नहीं बुलवा सकते हो, राइट? सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे मैंने आपको ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने आपको बताए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, हमारे चैनल पे बने रहिए। अगले क्लास में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, थैंक यू।